साल 1926 में आज ही के दिन भारत के पूर्व टेस्ट कप्तान रतनजी उमरीगड़े एक नागरिक अधिष्ठापन समारोह में 5 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण एवं 43 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, देश की जमीन, नौसेना एवं आंतरिक गृहभूमि सुरक्षा प्रणाली पर द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी डेफेक्सपो इंडिया के नवे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के रक्षा प्रदर्शनी संगठन द्वारा दक्षिणी गोवा के क्यूपेम तालुका में किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के 62 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना होगी जारी। 21 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल होगी। पठानकोट के वायुसेना एयरबेस पर 2 जनवरी को हुए हमले की जांच के लिए भारत आए पाकिस्तान के संयुक्त जांच दल की टीम नई दिल्ली में एनआईए मुख्यालय का दौरा करेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कर्नाटक में बीसी रोड और हासन के बीच 141 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना में कुल 2,358 करोड़ रुपए की लागत आएगी।